सर एक हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला है, कितने इसके अंदर मृत्यु हुए हैं? देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दिल्ली से मेरठ होकर दिल्ली से मेरठ को जाने वाले जो है एक ब्रेजा कार के एक्सीडेंट की घटना हुई थी। पता चला है प्रथम दृष्टया कि वो एक ट्रक खड़ा हुआ था सड़क किनारे, उसमें पीछे जा रहे थे। ये लोग बिजनौर के निवासी हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने किसी परिजन को सीऑफ करने के लिए गए थे, वहाँ से लौटते समय घटना हुई है। 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुँच गई थी, इनको उपचार के लिए ले जाया गया, परंतु इनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक छोटा बच्चा है वो घायल है, परिजनों को सूचना दे दी गई है, पोस्टमार्टम करा करके आगे वैधानिक कार्रवाई की। तो सर ये नींद के कारण एक्सीडेंट हुआ है, नींद ज़्यादा थी या क्या कारण रहा, कुछ पता चला? ये बताने की दुस्थिति में कोई नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः ड्राइवर ने जो है कंट्रोल खो दिया, अब वो नींद की वजह से हुआ या किसी और वजह से, ये तो जांच का विषय है, तो बाद में बता देगा। एक छोटा बच्चा मैंने बताया, बहुत छोटा था, जीवित है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि वो बताने की दुस्थिति में कोई नहीं है। आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और वहाँ पुलिस ने जाके जब पता किया तो मौके पे 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जो सभी बिजनौर के रहने वाले थे और अपने परिजन को छोड़ने दिल्ली एयरपोर्ट गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आते समय एक ट्रक जो कि खड़ा था किनारे साइड में, उसमें टक्कर हो गई पीछे से, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक छोटी बच्ची घायल थी जिसका इलाज अभी कराया जा रहा है। ट्रक को और जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, आगे पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें FIR पंजीकृत करके आगे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। थैंक यू।